नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋतिक और टाइगर की एक्शन फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए एक नया इतिहास रच दिया है और 2019 की सबसे सफल फिल्म होने के साथ साथ वॉर ऋतिक और टाइगर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। दोस्तों, रिलीज के 6 हफ्तों में वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर 317.77 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और अब ऋतिक और टाइगर की एक गुरु चेले की जोड़ी बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी बन चुकी है, जिसके सामने सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार भी फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ऋतिक और टाइगर की फिल्म वॉर ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। दोस्तों, इन दिनों सिंगल स्क्रीन थिएटर्स काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन इन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को मल्टी स्क्रीन में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, वॉर ने जो सिंगल स्क्रीन पर बिजनेस कर दिखाया है वो ऋतिक और टाइगर के स्टारडम को दर्शाता है, और साथ ही अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो फिल्म ज्यादा ऑडियंस तक रीच हुई। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्में काफी डिमांड में रहती है, लेकिन दोस्तों साल 2019 में ऋतिक और टाइगर की ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने सिंगल स्क्रीन पर सबसे ज्यादा कमाई करते हुए सलमान खान की फिल्म भारत, अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 और शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वॉर ने सिंगल स्क्रीन से तकरीबन 74.72 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो वही शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह 54.82 करोड़, सलमान खान की फिल्म भारत 53.29 करोड़ और अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 सिर्फ और सिर्फ 44.50 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही। हालांकि दोस्तों, हाउसफुल 4 अभी भी सिनेमा घरों में चल रही है, लेकिन हाउसफुल 4 के कलेक्शंस को देखते हुए इतना तो साफ है कि वो वॉर के सिंगल स्क्रीन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगी, और इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर, वो इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। तो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप वॉर के इस जबरदस्त रिकॉर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो टॉप चैनल को। जय हिंद।